अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पैराग्राफ नंबर 5 एंड आवर क्लास इज़ सिक्स्थ एंड टॉपिक इज़ फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ रीडिंग पैराग्राफ नंबर 5। The Rasul, peace be upon him, also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. Hazrat Noman bin Bashir radiallahu ta'ala anhu reported the Rasul, peace be upon him, as saying, what is lawful is clear and what is unlawful is also clear, but between them are certain doubtful things which many people do not recognize. He who guides against doubtful things keeps his religion and his honor blameless, but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. This is quoted in the book Tirmidhi. Hazrat Jabir radiallahu ta'ala anhu reported Rasul, peace be upon him, as saying, Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys, and when he makes a claim. Bukhari Sharif. So, dear student, it was our reading of paragraph number 5. Now we will learn difficult words and their meanings. Companions, Sathi, yani ke Sahaba Karam, avoid, bachna, doubtful, mashkook cheezein, mashkook, lawful halal, unlawful haram, guards hifazat karta hai, blameless bekasoor, claim dawa. To dear student, ye hamare difficult words the, ab aapne inko likhna hai aur fir inko yaad karna hai. I hope aapko ye samajh aa gaye honge. Number 5, paragraph number 5 and translation. The Rasul, peace be upon him, also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne apne saathiyon ko ye nasihat ki ke wo karobar mein mashkook cheezon se parhez kare. Hazrat Noman bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu reported the Rasul, peace be upon him, as saying, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि वट इज़ लाफुल इज़ क्लियर एंड वट इज़ अनलाफुल इज़ आल्सो क्लियर, बट बिटवीन देम आर सर्टन डाउटफुल थिंग्स विच पीपल मैनी पीपल डू नॉट रिकगनाइज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल है वो वाज़े है और जो हराम है वो भी वाज़े है, लेकिन इनके दरमियान कुछ ऐसी मशकूक चीज़ें हैं जिनको बहुत से लोग तस्लीम नहीं करते। ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस, बट ही हु फॉल्स इनटू डाउटफुल थिंग्स फॉल्स इनटू व्हाट इज ला अनलॉफुल। तिर्मिज़ी शरीफ। वो जो मशकूक चीज़ों से बचा, उसने मज़हब और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, लेकिन जो शकूक व शुबहात में पड़ता है वो हराम में पड़ जाता है। तो ये हदीस मुबारक है और तिर्मिज़ी शरीफ में ये बयान की गई है। नेक्स्ट, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ सेइंग। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान फरमाते हुए सुना कि अल्लाह शोज़ मर्सी टू द मैन हु इज़ काइंड व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज, एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम। बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में फरमाया गया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करता है जो ख़रीदते वक्त, बेचते वक्त और दावा करते वक्त रहम से काम करता है, रहम के साथ, रहमदिली के साथ पेश आता है, काइंडनेस के साथ पेश आता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्लास 6 का पैराग्राफ नंबर 4 उसको हमने स्टडी किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसे बार बार लर्न करना है तो और एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।